पालमपुर में होली उतराला सड़क चिंतन समिति और होली उतराला सड़क संघर्ष समिति की बैठक हुई है। एक सार्थक चर्चा करने के बाद, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये कांगड़ा और चंबा का है और हमारे जो रिश्ते हैं वो रोटी बेटी के रिश्ते हैं। ये लड़ाई ना पहले अलग थी ना आज अलग है, लेकिन जिस तरह से होली में संघर्ष चल रहा था, बैजनाथ में संघर्ष काफी लंबे समय से चल रहा है, उस संघर्ष को एक साथ मिलजुल कर लड़कर कैसे इस सड़क को उतराला से होली तक पहुंचाया जाए, उस पर एक साथ चर्चा हुई है और एक संयुक्त कमेटी जो है वो कांगड़ा और चंबा की आज बना दी गई है। और ये निर्णय लिया गया है कि इस लड़ाई को जो है वो अंतिम पॉइंट तक, अंतिम बिंदु तक, जो कि लाके वाली माता तक है और यहाँ अगर वहां से देखेंगे तो उतराला तक है, लड़ा जाएगा। और इसको सार्थक रूप से लड़ने के लिए आज जिस कमेटी का चयन किया गया है उसमें कुल 13 लोगों की कमेटी ये बनाई गई है, जिसमें 11 मेंबर बनाए गए हैं, एक कोऑर्डिनेटर और एक संयुक्त कोऑर्डिनेटर का चुनाव आज किया गया है, मनोनीत किए गए हैं नाम, जिसमें जो संयोजक है उसमें मुझे जिम्मेवारी दी गई है। और संयुक्त कोऑर्डिनेटर के लिए होली से भाई गगन ठाकुर जी को जिम्मेवारी दी गई है। और जो मेंबर बनाए गए हैं उनमें विनोद ठाकुर होली से, सुनील ठाकुर होली से, बलवंत कपूर होली से, सुनंद कपूर होली से, रोहित राही होली से, बिहान सिंह बैना से, धर्मचंद मक्कड़ जी बैना से, जमीत भट्ट बैना से, भिकम राम बैना से, अंकुर जोशी बैना से, परस राम जी बैना से। तो आज ये कमेटी का गठन करके ये निर्णय लिया गया है कि इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ा जाएगा और सरकार तक अपनी बात जो है वो पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, ताकि ये जो सड़क है ये जल्दी से जल्दी बने। और इसको बनाने के लिए जो है वो एक परमानेंट फंड का इंतजाम सरकार करे, उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से सरकार से मिलेंगे भी, बैठेंगे भी, चर्चा भी करेंगे और अगर जरूरत हुई तो निश्चित तौर पे हम लोग जन आंदोलन में भी जाएंगे। राजपुर जी, अगर बात की जाए होली उतराने से जो होली तक जो सड़क बन रही है, तो उसका काम चला हुआ है, ये काम जो है अभी तक कितना हुआ है और अभी कितना बाकी है? इसमें अगर हम बैनाथ वाली साइड से बात करें तो अभी 13 किलोमीटर का काम जो है वो चल रहा है और वो बैनाथ से उतराला तो पहले से ही रोड बना है, उतराला से फैंचे का पानी तक जो है वो 13 किलोमीटर प्रस्तावित है, जो लगभग कटिंग हो गई है, कुछ एक होनी है। उसमें भी चिंतन समिति ने दौरा करके बता दिया है कि काफी ऐसी पॉइंट्स हैं जहां पर अभी संतोषजनक जो है वो कटिंग नहीं हुई है। और अगर हम होली की तरफ से बात करें तो 5 करोड़ जो है वो मंजूर हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा पेंच जो है वो होली में फंसा हुआ है। लाके वाली माता से लगभग 2 किलोमीटर सड़क जो है वो बन चुकी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से, बरसात की वजह से वो जो है वो खराब हुई है। उसको बनाना जो है वो आज की डेट में सबसे पहले चुनौती है और उसी को बनवाने के लिए हम लोग आज चर्चा करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इसके लिए अगर किसी हद तक हमें जाना भी पड़ेगा, सरकार से मिलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, तो उस पैच को सबसे पहले शुरू करवाने के हमारी कमेटी प्रयास करेगी। अभी पीछे जैसे सीपीएस का दौरा भी होता है वहां पर, और वो कहते हैं कि बहुत जोर से जो है वो काम वहां पे चला हुआ है, लेकिन मौजूदा हालात जो है वो क्योंकि आपकी चिंतन समिति है उसमें थोड़ा प्रकाश डालेगी कि देखिए जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो एक पार्टी से हैं चाहे वो दूसरी पार्टी से हैं, वो जाएंगे भी, देखेंगे भी, प्रशंसा भी करेंगे, कटाक्ष भी करेंगे, लेकिन ये जो मुद्दा है ये राजनीति से बिल्कुल हटकर मुद्दा है। और चिंतन समिति ने ये प्रण, चिंतन समिति और संघर्ष समिति आज इकट्ठे बैठ के ये प्रण ले रहे हैं और लिया है कि इस मुद्दे को एक तो राजनीति से बिल्कुल हटके रखेंगे और दूसरा इस मुद्दे पे राजनीति हम बिल्कुल होने भी नहीं देंगे, क्योंकि ये जो मुद्दा है
ये हमारे समाज का, नौले समाज का एक जीवन रेखा का मुद्दा है। और इस रोड के बनने से जो पर्यटन की संभावनाएं बनने वाली हैं कांगड़ा और चंबा के अंदर, उससे हजारों हजार लोग लाभान्वित होंगे और हमारी जीवन रेखा सचमुच जो है वो चेंज होगी। और सरकार को इस मुद्दे पे बिना किसी भेदभाव के ध्यान देने की जरूरत है, बिना किसी राजनीति के ध्यान देने की जरूरत है। का मैं गगन ठाकुर, होली उतराला सड़क संघर्ष समिति अध्यक्ष। आज हमारी पालमपुर में उतराला होली चिंतन समिति जो थी उनके साथ हमारी एक संयुक्त बैठक यहाँ पर हुई, और इस बैठक में बहुत सारे हमने विषय रखे थे, उस पर गहन चिंतन भी हुआ। और चिंतन के साथ साथ हम लोगों ने एक संयुक्त समिति का गठन करा, जिसमें जो भी हमारे सदस्य रहे हैं वो राज कपूर जी पहले ही इस बार विषय। बलवंत कपूर, होली क्षेत्र का रहने वाला हूँ। ये जो आज समिति का गठन हुआ, संयुक्त समिति का जो गठन हुआ है, ये केवल होली उतराला का ही नहीं, परंतु पूरे जिला चंबा और जिला कांगड़ा के लिए आने वाले भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। धन्यवाद।